नमस्कार, आप देख रहे हैं श्याम न्यूज लाइव मैनपुरी और मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए श्याम न्यूज मैनपुरी को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आपको खबर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आज हम बात करेंगे तहसील में बाहरी व्यक्ति काम कर रहे हैं, जिसके चलते भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश है कि सरकारी कार्यालयों में कोई भी बाहरी व्यक्ति काम न करे। अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों को चुनौती दे रहे हैं। तहसील घिरौर के न्यायालय में बाहरी व्यक्ति के काम करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे तहसील प्रशासन में खलबली मची हुई है। मैनपुरी के तहसील घिरौर में प्राइवेट कर्मचारियों का दबदबा दिखाई देता है, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने भी मोर्चा खोला है। जम करके उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन धरना देते हुए का तीनों न्यायालयों का बहिष्कार भी किया है। हम आपको बताते चलें, देखा जाए तो अधिकांशतर चाहे तहसील दार का कार्यालय हो, देखा जाए एक प्राइवेट कर्मचारी पेशकार का पूरा काम कर रहा है, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। चर्चा भी है कि अधिकांश अधिकारियों के तालमेल के चलते प्राइवेट कर्मचारी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसको लेकर के मंगलवार को तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर के तीनों न्यायालयों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की, जिसके चलते क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखा जाए तो किसान परेशान है, प्राइवेट कर्मचारियों के तालमेल के चलते भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक युवक तहसीलदार न्यायालय घिरौर के डायस पर बैठकर काम करता नजर आ रहा है। कोई बादी उससे जानकारी कर रहा है और वह भी फाइलें पलट रहा है। भाई दूसरे वीडियो में यही युवक वकीलों को फाइलें दिखा रहा है। वायरल वीडियो के साथ चल रहे कैप्शन में एक युवक का नाम गौरव बताया जा रहा है। साथ ही तहसील परिसर में कार्यरत एक मुंशी की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। किसानों का कहना है कि तहसील में किसानों का अधिक शोषण भी हो रहा है, जिसके चलते मंगलवार को अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोला है। तहसील में भ्रष्टाचार के संबंधित अधिवक्ताओं ने क्या कहा, आइए आप लोग भी सुनिए इस खबर के जरिए। आज जो आपके यहाँ हड़ताल जारी है, किस वजह से, क्या चाह रहे हैं आप? यहाँ जो है जितने भी न्यायालय हैं, इन्हें जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है और इसमें जो प्राइवेट लोग जो मनमानी कर रहे हैं, उसके संबंध में पहले भी कई एक बार जो लिखित में दे चुके हैं, वार्ता भी की है, लेकिन कोई अधिकारी किसी बात को सुनने को मानने को तैयार नहीं। तो कितने दिन तक आपकी ये? कुछ है ऐसे लोग ज्यादा रिश्वतखोरी करवा रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा और ये अधिकारी अपनी कार्यशैली नहीं सुधार रहे हैं, तब तक के लिए निश्चित काल नहीं हटा। इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ दलाल इतने हैं तहसील घिरौर में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में शासना जारी किया गया है कि जितने ये तहसीलों में दलाल घूम रहे हैं, इनको SDM तहसीलदार इनको बाहर करें, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ अधिकारी 3 हैं और दलाल यहाँ 30 हैं, और वे जाकर वहाँ डालो, कौन है ड्राइवर है।